नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल DK सैनी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों टाइटल और थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटर्नशिप के दौरान आपको दैनिक पाठ योजना या लेसन प्लान की जो डायरी है वो बनानी होती है। हर सब्जेक्ट की जो लेसन प्लान की डायरी होती है वो अलग अलग होती है और आपको अपनी सब्जेक्ट से संबंधित ही जो लेसन प्लान है वो बनाने होते हैं। तो दोस्तों लेसन प्लान की डायरी आपको तैयार कैसे करना है, दैनिक पाठ योजना कैसे बनानी है, इससे संबंधित मैंने बहुत सारी जो विषय हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी और भी जो विषय है इससे संबंधित मैंने बहुत सारे जो लेसन प्लान है ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं हिस्ट्री से संबंधित लेसन प्लान आपके लिए लेकर आया हूँ। और दोस्तों प्लेलिस्ट का जो लिंक है लेसन प्लान से संबंधित, सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आपको मैं लेकर चलता हूं हिस्ट्री के लेसन प्लान की जो फाइल है उसके ऊपर। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़े, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जो सूचना है वो आपको मिल सके। चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों दैनिक पाठ योजना यहाँ पर आ चुकी है, ये जनरल डिटेल्स आपको भरनी होती है जैसे विद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय और समय अवधि, ये आपको लिखना है। अब बात करते हैं हमारा प्रकरण जो क्या रहने वाला है, वो रहेगा भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना ये हमारा प्रकरण है। सामान्य उद्देश्य के अंदर आपको क्या लिखना है, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास कराना जिससे वे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। ये हमारा सामान्य उद्देश्य कंप्लीट। उसके बाद में आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसके अंदर जो ज्ञानात्मक पक्ष है उसके अंदर आपको लिखना है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त होगा, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया उसकी जानकारी प्राप्त होगी। बोधात्मक पक्ष के अंदर आपको लिखना है अंग्रेजों की कूटनीति का बोध होगा, उस समय भारतीय राजाओं की राजनीति व्यवस्था का बोध होगा। तो ज्ञानात्मक पक्ष और बोधात्मक जो पक्ष है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर क्रियात्मक पक्ष। बच्चों के अंदर एकता या संगठन तथा देश प्रेम की भावना विकसित होगी, बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच भी विकसित होगी। सहायक सामग्री के अंदर आपको लिखना है अंग्रेज सैनिकों का परेड करते हुए का चित्र, भारतीय बुनकर का कपड़ा बनाते हुए का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी जो सहायक सामग्री होती है जैसे चौक, डस्टर, वो सब आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद में आती है शिक्षण विधि, आप कौन से काम में ले रहे हो, तो शिक्षण विधि इसके अंदर आएगी, व्याख्यान विधि या प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद में पूर्व ज्ञान है, बच्चे ये जानते हैं कि अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो ये सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। मेन जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना के जो प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से बनने वाले हैं। पहला प्रश्न है तुम्हारे देश का क्या नाम है, बच्चे बताएंगे भारत, भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ, अंग्रेजों का, अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे, व्यापार करने के उद्देश्य से, व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया, ये समस्यात्मक प्रश्न बनेगा। तो आपका उद्देश्य कथन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। उद्देश्य कथन होगा आपका कि बच्चों आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं पाठ का जो प्रस्तुतिकरण है शिक्षण बिंदु से स्टार्ट होता है। तो पहले नंबर का जो टीचिंग पॉइंट रहेगा वो रहेगा भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण था। तो ये जो कारण है वो यहाँ पर देखिए पहले नंबर का टीचिंग पॉइंट है। तो इससे संबंधित कुछ विकासात्मक प्रश्न है, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, छात्र क्रिया के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, श्यामपट कार्य भी आपको साथ में लिखना है। तो छात्र अध्यापक कथन देखिए, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है, जब कोई एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहता था और अपने देश का सस्ता जो कपड़ा है वो भारत में ऊंचे दामों पर बेचना चाहता था, तो इस वजह से उपनिवेश बनाया था। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर भी आप यहाँ पर लिख सकते हो और श्यामपट कार्य के अंदर भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। तीसरे नंबर का जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, मुख्य देश उन्नति करता है जबकि उपनिवेश देश की अवनति होती है, तो ये आप लिख सकते हो श्यामपट कार्य का। और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है।
अब सेकंड नंबर का जो टीचिंग पॉइंट है वो आप देखिए, भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवाएं, इससे संबंधित विकासात्मक प्रश्न है। भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे? यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी? तो छात्र जो है वो इनके उत्तर आसानी से दे देंगे। अब जो छात्र अध्यापक कथन बनेगा वो देखिए, यहाँ पर भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, इसलिए उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। इसका फ़ायदा विदेशी शक्तियां उठाने लगी। वे शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। उनके सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं श्याम पटकारे के अंदर आपको लिखना है, यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। ये श्याम पटकारे में आपको लिखना है। और थर्ड नंबर का है, राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा क्या था? तो जो प्रश्न बनेंगे वो देखिए, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य से क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी? तो ये प्रश्न बन जाएंगे विकासात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं छात्र अध्यापक कथन की। कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ पड़ने लगा था और भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेवाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हराकर दूसरे को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। और यहाँ पर आपको देखिए छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर और श्याम पटकारे के अंदर आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए निरीक्षण कार्य के अंदर आपको क्या लिखना है, छात्रों को निर्देश दिया जाएगा कि श्यामपट सारांश अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लें तथा छात्र अध्यापक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न क्या बनेंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे, भेंट में प्राप्त इलाकों में कंपनी क्या करती थी, और लास्ट है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य के अंदर आपको लिखना है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार करने के तरीकों पर प्रकाश डाली। तो यहाँ पर जो हमारे जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली जो वीडियो की सूचना है वो आपको मिल सके। आगे भी इसी तरीके से आपको अलग अलग विषयों के लेसन प्लान से संबंधित जानकारी मिलेगी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।